हेलो गाइस, माय नेम इज सनंद। आज है 21st ऑफ दिसंबर, थर्सडे, और हम देखने जा रहे हैं फिल्म डंकी। आपको पता ही है, शाहरुख खान की फिल्म डंकी द मोस्ट यू नो मच अवेटेड मूवी फ्रॉम राजू हिरानी। सो आज हम वही देखने जा रहे हैं। अभी के बजे हैं 3:20, हमारा शो है 3:45 का AMC न्यू ब्रंसविक न्यू जर्सी में। सो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं हमें ये फिल्म कैसी लगी। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं AMC। सो अंदर चलते हैं। सो ये है ऑडिटोरियम 16। गाइस, अभी फिल्म हम देख कर आ रहे हैं डंकी, और अभी हम घर पहुंचे हैं। सो अगर सबसे पहले इस बात करें, ये फिल्म कैसी लगी, अगर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बोलूं तो ये फिल्म अच्छी है। लेकिन अब मैं ये लेकिन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आइए इसे डिटेल में रिव्यू करते हैं। अगर इस फिल्म की सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट की, प्लॉट मतलब स्टोरी, मैं ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने ट्रेलर इस फिल्म का देखा था, जब भी ट्रेलर आया था, और ट्रेलर में काफ़ी सारे यू नो प्लॉट को दिखा दिया गया था, स्टोरी कैसी होगी। तो बेसिकली ये कहानी होती है शाहरुख खान और तापसी पन्नू की, तापसी पन्नू के जो दोस्त होते हैं, और तापसी पन्नू खुद लंदन जाना चाहते हैं एंड शाहरुख खान उनकी मदद करते हैं। तो लंदन जाने की जो प्रोसेस है फ्रॉम पंजाब और वापस फिर वो जो इंडिया आते हैं लास्ट में, इस बीच कितनी सारी परेशानियों से गुजर कर यू नो वो वहाँ पहुँचते हैं और आते हैं, इसी को इस फिल्म में यू नो इस पर्दे पर उतारा गया है। तो अगर बात करें कहानी की, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्लॉट है। और ये मूवी जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ नया प्लॉट है, ये पहले आया है या नहीं आया मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ऐसी कई सारी मूवीज आई हैं लाइक बजरंगी भाईजान हो गया, यू नो रिसेंटली मुझे जो याद आ रहा है, तो ऐसी कोई मूवीज आई हैं। कुछ नया एकदम इंटरेस्टिंग प्लॉट नहीं है, बट एक ठीक ठाक प्लॉट है जो यू नो आप डेफिनेटली देखने जा सकते हैं। सेकेंड, अगर बात करें परफॉर्मेंस की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें शाहरुख खान है। शाहरुख खान का काम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या ये शाहरुख खान के करियर की बेस्ट मूवी है या करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, नहीं नहीं, शाहरुख खान इससे पहले बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दिए हैं, तो उनमें से ही ये कि अच्छी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। अगर आप बात करें सेकंड परफॉर्मेंस तापसी पन्नू की, तो तापसी पन्नू का काम सबसे अच्छा है। अगर मैं बात करूँ इसमें किसी का काम जो कि निखर कर आता है, इक्वल स्क्रीन प्रेजेंस है, वो है तापसी पन्नू का। शाहरुख खान के बराबर उनको स्क्रीन टाइम दिया गया है, सो तापसी पन्नू का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं अदर कास्ट की, तो जो तापसी पन्नू के दोस्त हैं यू नो उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। इसमें विकी कौशल का एक कैमियो भी है, विकी कौशल का काम बहुत ही अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगता है। सो जैसा कि मैंने कहा, विकी कौशल का काम काफ़ी अच्छा है, उनका जहाँ पे वो स्क्रीन्स पर आते हैं, जब शुरू से लेके आखिरी तक जहाँ तक विकी कौशल परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी निभर कर आता है, और वो एक प्लस पॉइंट भी है इस मूवी का। एंड अगर बात करें बाकी लोगों के परफॉर्मेंस की, सबका काम अच्छा है। बोमन ईरानी भी है इस फिल्म में, जो कि राजू हिरानी के नॉर्मली फिल्मों में होते हैं, तो उनका भी काम ठीक ठाक है। मैं नहीं कहूँगा कि अगेन उनका बहुत बेहतरीन काम है, क्योंकि इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी हमने पास्ट में राजू हिरानी की फिल्मों में देखी है, लाइक 3 इडियट्स। सो उनका काम ठीक ठाक है। अब बात करते हैं ये सारी चीज़ों के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मैंने कहा सबका काम अच्छा है, शाहरुख खान का काम भी काफ़ी अच्छा है। शाहरुख खान की ये वो मूवी नहीं है लाइक जवान एंड पठान, क्योंकि प्लॉट बहुत अलग है। ऐसा नहीं होगा कि जब शाहरुख खान स्क्रीन पर आएंगे तो सीटियाँ बजेंगी, क्या ये थिएटर वाली मूवी है कि आप थिएटर में बैठ के सभी ऑडियंस के साथ सीटियाँ पड़ रही हैं, लोग डांस कर रहे हैं, नहीं ये वो मूवी है नहीं। ये डेफिनेटली एक यू नो फैमिली फिल्म है, आप फैमिली के साथ जाकर डेफिनेटली फिल्म देख सकते हैं। एक इमोशन मूवी है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, एंड एक्शन इसमें नहीं है डेफिनेटली, प्लॉट वैसा नहीं है, लेकिन एक ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बनी है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। तो म्यूज़िक की बात करें तो फर्स्ट हाफ में आई थिंक एक ही गाना है, मैं लुट गया, जो कि आपने ऑलरेडी देखा होगा। एंड सेकेंड हाफ में काफ़ी सारे गाने हैं,
कुछ कुछ इमोशनल गाने भी हैं, स्पेशली लास्ट का जो सोनू निगम का गाना है वो काफ़ी इमोशनल सॉन्ग है। सो ऐसे कोई चार्ट बस्टर सॉन्ग नहीं है कि कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, लेकिन जब जब ये पर्दे पर जहाँ जहाँ पे आते हैं अच्छे लगते हैं, आपको कोई बोरियत महसूस नहीं होगी, जो कि मतलब कानों को सुकून देंगे, अच्छे गाने हैं। बट अगेन इट्स नॉट लाइक अ चार्ट बस्टर सॉन्ग, बट गाने ठीक हैं, जहाँ जहाँ भी आते हैं आपको अच्छे लगेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, नथिंग टू शाउट अबाउट इट। एंड अगर बात करें अदर टेक्निकल एस्पेक्ट लाइक डायरेक्शन की, ये एक मेन पॉइंट है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा जब मैं इस पिक्चर की टोटल यू नो अदर साइड ऑफ स्टोरी बताऊंगा, यानी नेगेटिव पॉइंट के बारे में। डायरेक्शन ठीक है, मैं नहीं कहूंगा वो खराब है, बट कहाँ कमी रह गई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो मैंने जैसा कहा, ये फिल्म ओवरऑल अच्छी है, आप डेफिनेटली जाकर थिएटर में देख सकते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये फिल्म को अगर मैं रिव्यू ना करूं और एज अ फिल्म बोलूं कि आप जाइए देखिए, डेफिनेटली आप जाइए देखिए, क्योंकि आप निराश नहीं होंगे। फिल्म काफ़ी अच्छी है, प्लॉट काफ़ी नया है, इंटरेस्टिंग है। एंड तो अब बात करते हैं फिल्म के निगेटिव। अगर आप एज अ क्रिटिक्स रिव्यू करते हैं या एज अ फिल्म रिव्यूअर रिव्यू करते हैं कि इस फिल्म में क्या मिसिंग था, तो वो अब डिटेल में रिव्यू करते हैं। नंबर वन अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो VFX, गाइस आप देखेंगे राजू हिरानी है की मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, आप एक्सपेक्ट करते हैं VFX कम से कम यूज़ हो, अगर यूज़ हो तो पता नहीं चलना चाहिए, बट बहुत जगहों पर अगर आप ध्यान से देखें तो VFX पता लगता है। तो VFX इसका अच्छा है, मैं नहीं कहूँगा कि खराब है, VFX अच्छा है, लेकिन ऐसा VFX क्या काम का अगर आपको पता चल जाए, तो इसलिए मैं कहूंगा VFX मेरे हिसाब से जस्ट अबव एवरेज था। अब बात करते हैं इसके प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में। मैंने देखा इंडिया में काफी सारे निगेटिव रिव्यूज आ रहे थे, एंड मैंने समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शाहरुख खान के तो बहुत ज्यादा फैन है। इसका एक मेन रीजन ये हो सकता है, ये स्टोरी कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे जो अपने देश से दूर रहते हैं, आई एम श्योर वो डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे, जो जाना चाहते हैं वो मे भी रिलेट कर पाए, बट ये स्टोरी से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे और शाहरुख खान को क्या वो इस रूप में देखना चाहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये फिल्म थोड़ी सी मार खा रही है, कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे और इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, क्या ये राजू हिरानी की करियर की बेस्ट फिल्म है? नहीं, राजू हिरानी ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, इससे पहले संजू, 3 इडियट्स। उस फिल्मों में क्या था, जब आप फिल्म स्टार्ट होती है टिल द एंड आप अपनी सीट पर बैठ कर ये मूवी एज ऑफ द सीट मूवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं, अगर कॉमेडी है तो वहाँ पे दिल खोल के हंसते हैं, जहाँ इमोशन है वहाँ दिल खोल के रोते भी हैं। इस फिल्म में क्या मिसिंग है वो है डायरेक्शन मुझे लगा, या एडिटिंग, जो एडिटिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर लगी। सो जैसा मैंने कहा कि फिल्म में मुझे जो कमज़ोरी पार्ट लगी वो एडिटिंग, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं 2 घंटे कुछ 50 मिनट की मूवी है, थोड़े से काटे जा सकते थे किस सीन पे कहाँ पे, अगर कोई सीन आ रहा है जहाँ पे कैरेक्टर रो रहे हैं लाइक शाहरुख खान, तापसी पन्नू, तो अगर आपके आपके आंखों में वो आंसू नहीं है या आप इमोशनली उतने कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे वो वीक थोड़ी कमज़ोर लगती है। वहाँ पे डायरेक्शन को बोलो या एडिटिंग को बोलो या स्क्रीन प्ले को दोष दो, डेफिनेटली मैं दोष दूंगा, क्योंकि वो इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं हुआ है। ओनली जो सोनू निगम का लास्ट में सॉन्ग आता है जब वो बजता है, लास्ट 15 मिनट्स जो क्लाइमैक्स के हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जहाँ पे इमोशनल सीन दिखाए हैं बट आपको वो रोना नहीं आएगा, आप उतना ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा स्क्रीन प्ले मिसिंग है। अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, अगर रिसेंटली एनिमल मूवी आई थी, एनिमल मूवी की बात करें तो एक बाप बेटे की कहानी थी, ऐसा कोई स्टोरी कुछ खास था नहीं प्लॉट, लेकिन जैसा डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले बनाया था, जैसा डायरेक्टर ने उस फिल्म को दिखाया था, आपको पता है एनिमल कितनी बड़ी हिट हुई। सो स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर थोड़ी मूवी लैग करती है। और मैंने ऑलरेडी बताया VFX, आपको लगेगा कि लोकेशंस जो दिखाए हैं वो रियल नहीं, पीछे VFX है, तो वो फील नहीं होना चाहिए, वहाँ भी फिल्म लैग करती है। अगेन शाहरुख खान ने इस साल जवान और पठान दी है, तो कई बार क्या होता है आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ऊपर होती है कि उसके ऊपर कुछ होगा, डंकी उससे ऊपर नहीं है। डेफिनेटली इस साल की जो जवान शाहरुख खान की मेरे लिए वो नंबर वन है, देन पठान, देन आप डंकी। डंकी इज अ डिफरेंट, अगेन इट्स अ गुड मूवी, अगेन आई एम टेलिंग
कोई खराबी नहीं है मूवी में, लेकिन अगर हम निगेटिव की बात करें तो थोड़ी सी स्क्रीन प्ले, VFX, एडिटिंग कहीं कहीं पे कट सकती थी। ये मूवी आपको कुछ पोर्शन में अच्छी लगेगी, लाइक एक पोर्शन आया अच्छा लगा, फिर 5 मिनट थोड़ी सी नीचे जाती है, फिर अच्छी लगेगी, फिर नीचे जाती है, तो पोर्शन पोर्शन में ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस मूवी की बात करें तो डेफिनेटली वन टाइम वॉच है, आप थिएटर में जाकर देख सकते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो ये था मेरा रिव्यू, आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। एंड अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो डेफिनेटली ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करेगी, बट इसके सामने है सलार, जो कि इंडिया में कल रिलीज होने वाली है, वैसे में ऑलरेडी रिलीज हो गई है, तो सलार की रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। सलार की रिपोर्ट अच्छी आती है, डेफिनेटली इसके कलेक्शन कम होंगे, लेकिन जवान पठान का क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी, मुश्किल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये वो प्लॉट नहीं है जहाँ लोग, इसमें वो रिपीट वैल्यू नहीं है कि आप एक बार थिएटर से निकले तो आप दूसरी बार देखने जाएंगे, ये वो मूवी नहीं है। कई लोग हो सकता है OTT पर देखें, एंड अगेन थिएटर में देखना क्या है, मूवी जरूरी थिएटर एक्सपीरियंस वाली है नहीं, ऐसे आप घर में बैठ के OTT पर भी देख सकते हैं, तो ये वो टाइप की मूवी है, अच्छी है, अगेन आई एम सेइंग, बट इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट राजू हिरानी फिल्म, इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट शाहरुख खान, लाइक मेरे को एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, राजू हिरानी के पास इतना अच्छा मौका था, शाहरुख खान जैसा कलाकार उनको मिला था, प्लस बहुत सारे ऐसे एक्टर, तापसी पन्नू, विकी कौशल, ये काम बहुत अलग लेवल का निकाला जा सकता था, वहां पे चूक हो गई मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज ये मूवी मुझे अच्छी लगी, एक बार डेफिनेटली देखने लायक है जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है। एंड अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे बहुत सारे मूवीज और वेब सीरीज के लिए आते रहेंगे और आते रहे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।